नोना भी सरप्राइज देने के लिए रेडी हो गई चाचू को, और विद्दू बेबी थोड़ा सा अभी बीमार चल रहा है, इसलिए मम्मी पापा विद्दू जो है वो बाद में प्री पार्टी के मजे लेंगे, और विद्दू मास्टर के लिए अलग से पार्टी रखेंगे हम, एकदम स्पेशल वाली विद्दू मास्टर और मम्मा पापा के लिए। हाँ, जो छोटा बेबी है वो हमारे साथ आया है अभी, और इसकी आज ही पार्टी कर देंगे हम दोबारा नहीं बुलाएं इसको मम्मा पापा और विद्दू वाली पार्टी में बुलाएं कि नहीं बुलाएं? फिर नोना तो आज है पार्टी में, नहीं नहीं भाई सबको एक एक बार पार्टी। अरे विद्दू को बाहरी नहीं लेके चल सकते? अच्छा, जब लेके जाएंगे कह रहे हैं, जब विद्दू बाहर जा पाएगा तब विद्दू वाली पार्टी घर पे ले जाएंगे। और ये ललित जो है कल से साथ निभाते हुए, साथ निभाना साथिया अभी जो है बर्थडे बॉय को जो है वो अपनी दाढ़ी पे कैंचियां चलवानी है, कैंचियां चलवानी, तलवार चलवानी। आज कह रहे बर्थडे पे मैं तलवार चलाऊंगा अपने, कुल्हाड़ी से चलवाऊंगा। जाना तो चाहिए था शूटिंग रेंज आज, गोलियां चलानी चाहिए थी। गुड़गांव में है बिल्कुल, गोल्फ कोर्स की तरफ करेंगे वो भी कभी आपके लिए प्लान। ये देखो बर्थडे बॉय, लास्ट मोमेंट पे बताना ही पड़ा क्योंकि ड्राइव तो करके यही लेकर आते हैं, तो हम सोशल जा रहे हैं। मतलब मैं कितना किस हद तक की सरप्राइज दे सकती हूँ ना, बाकी नाना करते हुए भी इनके लिए खुद ही सरप्राइज हो ही गया क्योंकि मैंने इनवाइट सबको किया था, बट सबके लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ हुआ। सो कोई बात नहीं, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग करेंगे मस्ती, और एक आज जो आ रहे हैं वो कौन आ रहे हैं वो भी बताएंगे। सोनी और मयंक अभी आने वाले हैं और इनको नहीं पता है अभी, सो लेट्स सी। सो दिस इज द पार्टी प्लेस, बाहर बारिश ना हो जाए ना, पता चले हम बाहर का करें और बारिश हो जाए। तो ये देखो हमारी कमिटेड सीट, हम यहाँ बैठ रहे हैं, फाइनल करते फिर यहीं बैठ जाए। ये बाहर नजर मार, एक बार मार सकते हैं, एक बार ही बाहर वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं। चलो ठीक है, बैठो, बर्थडे पे फिर बैठो, नहीं बस यही मिलेगा ना फिर हमें, ये इतना सारे के लिए आ नहीं रहे लोग, मैंने तो सारे के लिए ही किया था। और वो क्या करें फिर, अब नोना तो, अब नोना और हम पार्टी कर लेंगे ललित से। ये देखिए ये झूला का हो गई फोटोज वगैरह, चलो गुड बेबीज। अरे वहाँ पे तो बढ़िया, देख बहुत अच्छे टाइम पे आई है, इसको पता चल गया ना फोटोज खींच रहे हैं अभी थोड़ी पहले, तो इसलिए ये एकदम सही टाइम पे आ गई है। ओ ओ देखिए सोनी की तो नेक्स्ट लेवल ही आई है, हम ही ऐसे नॉर्मल सोनी की नेक्स्ट लेवल। सोनी यार फिर इतनी नेक्स्ट लेवल कैसे आई है? क्रैनबेरी, तेरा क्रैनबेरी जूस बुढ़िया के बाल के साथ क्यों आया? तेरा क्रैनबेरी जूस बुढ़िया के बाल के साथ कैसे है? और हाँ साथ में ऑरेंज क्यों है? शूट नहीं करने वाले क्योंकि अब हम लोग सिर्फ खाने पीने में मजे करेंगे। ये देखिए टिफिन के अंदर ऐसे आया था, ये ऐसे इन्होंने दिया, मतलब बिल्कुल देसी टच ही दे दिया है। कह रहे ड्यूटी पे जाओ, ये टिफिन दिहाड़ी दिहाड़ी का टाइम हो गया। देखिए ये झालमुरी देखिए एक ड्रिंक की ऐसे आई है, समझ नहीं आ रहा ये क्या पिएगी इसमें। और ये इनका केक,
जरूरत है हमें, इसीलिए जस्ट अ रिमाइंडर। ये हमारी जो फ्यूचर सुपर कार या कोई कार होने वाली होगी उसके लिए बीटल है, बीटल। और वो एक और यूट्यूबर साहब बैठे हैं, मैं एड्रेस करना भूल गई थी, बट यूट्यूबर साहब हैं, यूट्यूबर साहब। हाँ नाम सर, अपने चैनल का, सर अपने चैनल का भी नाम बता दें। मेरे इस चैनल से जो मेरे शोरूम पर आएगा टाइल्स खरीदने के लिए उसका स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। अच्छा। प्रॉपर दे दूंगी आपको, डिस्क्रिप्शन मिलेगा, पर आपको बताना पड़ेगा आप इस वीडियो से आए हो, है ना। हाँ ठीक है, डन। इस पे लिखा है वर्ल्ड्स बेस्ट सिसु, क्योंकि ये है, ये है मयंक और सोनी की तरफ से। नाइस, ये भी काट ले। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर मीतू, हैप्पी बर्थडे। अरे यार, भैया बात हाथा पाई पे उतर आई है, बात हाथा पाई तक उतर आई है गाइस, बात लाता पाई, बात लाता पाई तक उतर आई है गाइस। और बर्थडे बॉय सुसु करने गए हैं, आई मीन बर्थडे लास्ट एंड फाइनल गिफ्ट ऑफ दिस बर्थडे। कहाँ से आया ये, कहाँ से आया?
यहाँ से। थैंक यू वेरी मच। बहुत दूर नहीं है इसके, वो साइड में ही है। और गिफ्ट में निकले हैं ढेरों अखबार। देखिए कल हमारे पास अखबार नहीं थे, सफाई वाला बोल रहा था दीदी अखबार दे दो। ये देखिए, ओ वाओ, प्लीज टर्न करिए, गणेशा का मुख दिखाइए। तुम्हें क्या पता गणेशा ही है, पीछे से दिख रहे हैं क्योंकि। अरे वाह, कितने प्रिटी हैं। सो बर्थडे को करते हैं यही टाटा विद अ क्विक रिव्यू अबाउट द मूवी। मूवी इज अमेजिंग, मस्ट वॉच है। फालतू में क्रिटिक्स जो है ज्यादा ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है थोड़े गाने ओवररेटेड हैं, बट मूवी देखने लायक है यार। मतलब शाहरुख खान ने काफी टाइम बाद इतना ऐसे मसाला एंटरटेनमेंट एंड काफ़ी अच्छे सवाल क्वेश्चन उठाए हैं मूवी ने। सो आई डोंट थिंक इतना ज़्यादा हमें ब्लेम आउट करना चाहिए, बिकॉज मैंने काफ़ी सारे मिक्स रिव्यूज़ देखे थे। सो आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच मूवी फॉर मी, गो वॉच इट। और हर चीज़ में लॉजिक नहीं देखना चाहिए, एंटरटेनमेंट देखना चाहिए, और एंटरटेनमेंट के मामले में फुल ऑन मसाला मूवी है, इमोशन से भरी हुई है। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय।